हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो आज मैं कराने जा रही हूँ एक्शन रिसर्च का सबसे लास्ट टॉपिक यूनिट वन का, जिसमें है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है वो हर साल एग्जाम में पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब कौन किस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंस हो रहा है दोनों में, यहाँ पे ये बताया गया है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल रिसर्च जिसके अंदर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च आता है, एंड एक्शन रिसर्च, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो पर्पस क्या है, ट्रेडिशनल रिसर्च के अंदर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च आता है। इसका पर्पस क्या है, डेवलप थ्योरीज एंड डिस्कवर जनरलाइज्ड प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ हम लोग थ्योरी निकाल लेते हैं रिसर्च करके, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता, सिर्फ थ्योरी निकाल देते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं कि ऐसा सब जगह लागू हो सकता है, तो इसके जनरलाइज प्रिंसिपल को निकाल लेते हैं। और एक्शन रिसर्च के अंदर क्या होता है, इम्प्रूव प्रैक्टिस, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली उसको करके जो भी प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा रिसर्च होता है जो हम प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे हैं, जैसे टीचिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम फंस रहा है तो उसको ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करते हैं। पीपल इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व होते हैं, कंडक्टेड बाई आउटसाइडर एक्सपर्ट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है रिसर्च करने में, आउटसाइडर होते हैं, मतलब वो किसी भी टॉपिक पे रैंडमली उठा के रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इनसाइडर्स हु आर इन्वॉल्व इन कॉन्टेक्स्ट, इसमें वो लोग होते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो खुद रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन पे ये रिसर्च हो रहा होता है। लाइक अगर क्लास में एजुकेशन हो रहा है उसमें क्लास के टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई बाहरी नहीं होता है, वही लोग होते हैं जिन पे ये रिसर्च हो रहा होता है। नेक्स्ट वन इज रिसर्चर, रिसर्चर कैसे होते हैं, जो अप्लाइड मतलब बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के रिसर्चर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, मतलब उनका कोई अटैचमेंट उस टॉपिक से नहीं होता है, रिमूव्ड होते हैं, सब अनबायस्ड होते हैं, मतलब कि एक तरफा कुछ नहीं हो रहा होता है। इसके क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, उसी चीज़ में ये इन्वॉल्व रहते हैं रिसर्चर, उसी चीज़ में एंगेज रहते हैं, खुद ही वो रिसर्च कर रहे होते हैं। क्वेश्चन, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, रिफ्लेक्ट आउटसाइडर्स रिसर्च इंटरेस्ट, जिसमें कि आउटसाइडर है कुछ जिनका इंटरेस्ट है इस रिसर्च को करने में, वो सारे लोग इसको मतलब पहले से कुछ क्वेश्चन फिक्स होता है उसको सर्च करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ अराइज फ्रॉम लोकल इवेंट्स प्रॉब्लम ऑफ नीड्स, कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ लोकल इवेंट्स हो रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है, प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसको रिसर्च करते हैं। पार्टिसिपेंट्स केयरफुली सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें वो लोग रिसर्च करते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है रिसर्च करने में, ऐसे सेलेक्ट किया जाता है लोगों को, पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया जाता है इस रिसर्च के लिए। बट यहाँ पे नेचुरल पार्ट ऑफ इंक्वायरी सेटिंग, यहाँ पे जिस पे रिसर्च हो रहा होता है वही लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। थीम क्या होता है, जनरलाइज रूल यहाँ पे निकालता है, और यहाँ पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च हो रहा होता है। रिसर्च फाइंडिंग इंप्लीमेंटेड बाय प्रैक्टिशनर, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली अप्लाइड टू प्रैक्टिस। चेंज इन एजुकेशन, टॉप डाउन होता है, हिरार्कियल होता है, ये बॉटम अप होता है और डेमोक्रेटिक होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद कर दीजिएगा, मैंने अच्छे से लिख दिया इन पॉइंट्स को, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट एक और डिफरेंस हमेशा पूछता है, किसी साल ये पूछ लेता है तो किसी साल ये, दोनों में से कोई ना कोई आना ही आना है। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल अप्लाइड एंड एक्शन, ये क्या है, तीनों को अलग अलग कर दिया है और तीनों में डिफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है, मैंने इन तीनों रिसर्च को अच्छे से पढ़ा लिया है, आप लोग ऐसे भी डिफरेंस पता कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वर्क टू एक्वायर नॉलेज विदाउट डायरेक्ट प्रैक्टिकल, यही है कि इसमें थ्योरेटिकल वर्क होता है बिना डायरेक्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हुए। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है कॉन्सेप्ट का, जो कि बेसिक रिसर्च के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। थर्ड वन इज़ सिस्टमैटिक इंक्वायरी बाई टीचर देन आउट प्रैक्टिस, यहाँ पे सिस्टमैटिक इंक्वायरी होता है, रिसर्च होता है जो कि टीचर्स के द्वारा होता है, खुद की प्रैक्टिस पे, देर आउट प्रैक्टिस, खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों में, ये सारी चीज़ों में खुद ही वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो देख लीजिए इसका मतलब क्या कि ये बेसिक रिसर्च है, यहाँ थ्योरी वगैरह निकाला जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट करके, यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है, जो भी थ्योरी निकाला गया है उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे खुद कोई प्रॉब्लम फंस रहा है वहीं पे एजुकेशनल में, वहीं पे रिसर्च किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप एंड टेस्ट एजुकेशनल थ्योरीज एंड डिराइव जनरलाइजेशन, कुछ टेस्ट कर लिया जाता है थ्योरीज़ को और एक जनरलाइजेशन मतलब एक निकाल दिया जाता है थ्योरी कि ये सब पे लागू होगा। टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशन, एक्चुअल प्रॉब्लम में उस जो यहाँ पे थ्योरी निकाला गया उसको एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशन में प्रैक्टिकली करके देखा जाता है। तो फाइंड सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन, यहाँ पे क्या होता है कि कोई सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फंसता है तो फिर वहाँ पे रिसर्च किया जाता है और सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, वाइड स्टडी डन टू सेलेक्ट अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी स्टडी होती है प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में। सैम्पलिंग प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उसमें जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं देन उस पर रिसर्च करते हैं। हाइपोथेसिस हाईली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आर डेवलप, इसमें स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सर्व एज हाइपोथेसिस।
सैम्पल लार्ज सैम्पल यहाँ पे कलेक्ट होता है. सैम्पलिंग प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, सैम्पल कलेक्ट उतना नहीं हो पाता है. स्टूडेंट स्टडी इस क्लासरूम ऑफ अ टीचर फॉर्म सैम्पल, यहाँ पे स्टूडेंट क्लासरूम में स्टडी कर रहते हैं तो वहीं पे सैम्पल फॉर्म हो जाता है. एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट, जनरलाइजेशन है ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी, जनरलाइजेशन आर प्रेफर्ड, फाइंडिंग आर यूज इमीडिएट इन द क्लासरूम. जनरलाइज कर दिया जाता है, यहाँ जो भी रिसर्च किया जाता है यहाँ पे भी इसको प्रीफर किया जाता है, और यहाँ पे जो भी फाइंडिंग होता है रिसर्च का जो भी निकल के आता है उसको इमीडिएट क्लासरूम में अप्लाई कर दिया जाता है. तो ये था इन तीनों के बीच में डिफरेंस, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सो हमारा यूनिट वन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हमारा एक्शन रिसर्च में यूनिट टू मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइस, बाय.